हेलो गाइस, डिफेंस डिस्कशन सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सत्यम यादव। आज हम बात करेंगे एक्सप्लोजिव्स के बारे में, यानी कि बॉम्ब्स के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है RDX, जो कि एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोजिव है जो कि बॉम्ब बनाने के काम में आता है। तो सबसे पहले तो हम इसके साइंटिफिक टर्म्स को जानेंगे। इसका केमिकल फार्मूला होता है C3H6N6O6, और इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि साइक्लोनाइट हेक्सोजेन या फिर साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइएमीन। और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में T4 नाम से फेमस, जैसे रसिया हो गई, जर्मनी हो गई, ऑस्ट्रिया हो गई, इंग्लैंड, इन सब में यह T4 नाम से ज़्यादा फेमस है। और इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। और इसका पहले नाम था रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, लेकिन जब अमेरिकन संसद में इसे पेश किया गया, पहली बार इसका परिचय दिया गया, तो इसे RDX नाम दिया गया था वहीं पर। और इसे बेसिकली, जैसे और भी लोग जो जानते हैं वो इसे प्लास्टिक एक्सप्लोजिव के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करें तो इसकी खोज 1898 में एक जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिन ने की थी। और जब उसने इसकी खोज की थी तो उसने बताया था कि इसका एक मेडिकल यूज बताया था, इसका कोई एक्सप्लोजिव के तौर पर यूज नहीं बताया था। और बाद में उसी ने इसका एक दूसरा पेटेंट करवाया, और तब इसका डिस्कस ऐसे कराया कि जैसे एक स्मोकलेस प्रोपेलेंट के तौर पर, मतलब एक ऐसा ईंधन जिससे धुआं ना हो और जहाज उड़ाने के काम में, या रॉकेट्स के। तो उसने इसका कोई भी ऐसे बॉम्ब बनाने के रूप में कोई भी यूज नहीं बताया था। और इसका मिलिट्री यूज 1920 में शुरू हुआ था, जब World War II के पहले। और इसका World War II में काफ़ी बहुत ही वाइड यूज़ किया गया, बहुत ही अधिक यूज किया गया था World War II में। तो अगर हम World War II में इसके यूज के बारे में डिस्कस करें तो अमेरिका और जर्मनी ने इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया था, और वो भी इसलिए क्योंकि यह एक बहुत ही तेज एक्सप्लोजिव था। उसके पहले जो World War I में यूज हुआ था TNT नाम से एक्सप्लोजिव, उससे यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ था और इसे बनाने में भी कम खर्च आता था। और USA ने उस टाइम World War II के टाइम में लगभग हर महीने 15,000 टन इस RDX एक्सप्लोजिव को बनाया था, और जर्मनी ने भी 7,000 टन हर महीने बनाया था। इस हिसाब से इसका काफ़ी व्यापक रूप से निर्माण किया गया था। ये सब तो इसके हुए World War II में, लेकिन अगर हम इसके वर्तमान में कुछ समय पहले ही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि यह टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इसका नाम रहा है। तो जब 1993 में बॉम्बे बॉम्बिंग हुई थी बॉम्बे में, जो कि गाड़ियों में रखकर कई जगह पर ब्लास्ट किया गया था, उसमें इसी का यूज हुआ था। और 2006 में भी मुंबई में जो ट्रेन ब्लास्ट हुई थी, और 2008 में जयपुर बॉम्ब, उसमें भी इसी RDX का यूज किया गया था। और उसके बाद 2010 में रसिया की सिटी मास्को में जो मेट्रो बॉम्बिंग हुई थी, उसमें भी RDX का ही यूज किया गया था। और तो और, जब लेबनान के प्राइम मिनिस्टर राफिक हरीरी को मारा गया था 14 फरवरी 2005 को, तो उसमें भी 1000 किलोग्राम RDX का यूज हुआ था। और अगर हम रिसेंटली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की बात करें तो 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, जो कि जैश ए मोहम्मद ने किया था 250 किलोग्राम हाई ग्रेड RDX के साथ, जिसमें हमारे 44 CRPF के जवान शहीद हो गए थे, उसमें भी RDX का यूज किया गया था। तो बेसिकली इसका टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि यह जल्दी पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि एक प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है। और अगर हम इसके सिविलियन यूज की बात करें तो इसका सिविलियन यूज ना के बराबर है, बस एक ही यूज सिविलियन यूज में आता है, जो कि एक इसका चूहे मारने की दवा के रूप में होता है, बाकी इसका कोई भी सिविलियन यूज नहीं होता है। तो बेसिकली यह बॉम्ब बनाने के लिए और सेना के लिए यूज होता है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। हम इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।